कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के घोटालों और भ्रष्टाचार के जिम्मेदार सुरेश कलमाड़ी जी की जमानत पर मुझे आश्चर्य है। हालांकि प्रोसेस ऑफ लॉ है, सुरेश कलमाड़ी को बेल हो गई, किंतु अब तक शीला दीक्षित और पी चिदम्बरम को जेल नहीं हुई। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले में अब जबकि सुरेश कलमाड़ी जेल से बाहर हैं, वो उन लोगों को भी एक्सपोज करें जिन्होंने इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारी भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। प्रधानमंत्री ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट बनाई, प्रधानमंत्री ने शुंगलू कमेटी को अपॉइंट किया, उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर सीधे सीधे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और अन्य अफसरों को दोषी ठहराया। सीएजी की रिपोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री को सीधे सीधे दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री के सीएजी रिपोर्ट पर जवाब देने के बाद भी सीएजी ने उनके जवाबों को नकार दिया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बाहर हैं। आरटीआई की एक पत्र से अभी रिवील हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तब के गृह मंत्री चिदम्बरम साहब सीधे जिम्मेदार थे सीडब्ल्यूजी के फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए, इसलिए उनके ऊपर भी 2G के अलावा इसका भी सीधा सीधा दोष आता है। हमारा कहना यह है कि बेल इज रूल एंड जेल एंड एक्सेप्शन के ऊपर बड़े आदमियों को बड़े केसेस के अंदर जमानत मिल जाती है, किंतु तिहाड़ जेल भरी पड़ी है अंडर ट्रायल से, जहां सुविधाएं भी नहीं हैं, उन आम आदमी को जमानत नहीं मिलती। इनके जमानत मिलने के बाद सुरेश कलमाड़ी को ये बताना चाहिए कि पूरे घोटाले के अंदर उनके साथ कौन कौन लोग जिम्मेदार थे और इस भ्रष्टाचार के लोग जिम्मेदार थे। हम मांग करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के में जो भी और लोग भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके मंत्री राजकुमार चौहान, NDMC, DDA, CPWD, PWD, हेल्थ सर्विसेज, इन सब के जिम्मेदार अफसर, इनके ऊपर भी मुकदमे चलने चाहिए, इनको भी जेल भेजाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का मुकदमा डे टू डे बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, जैसे 2G के अंदर चल रहा है, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द सजा हो। और हम मांग करते हैं कि जो जो केंद्र के मंत्री जिनकी जिम्मेदारियां थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। UPA की सरकार अब शीला दीक्षित को और चिदम्बरम को बचाने में लगी है।